ये हुई ना बात। वेटर भाई साहब, एक बात बताओ, आपको पता है कौन है? नहीं पता? नहीं। मैं बता दे, महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? हाँ। ये इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम की आने वाली धोनी है। देखो ध्यान से, देख लिया? ये ना हमारे देश के लिए बहुत सारी ट्रॉफीज लाने वाली, बहुत सारी। बहुत जल्द तुम्हें टीवी पे दिखेंगी, देखोगे ना? हाँ। इनको चेयर करोगे? मैं भी करूंगा। चीयर्स। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूं, तुमने मेरी बात मान ली और तुम एकेडमी चली गई। अब तुम मुड़ के देखने का सवाल ही नहीं उठता, है ना? इसे मेरी तरफ से आखिरी तोहफा समझ लेना। पता है मुझे ना घर पे सब कहते हैं कि फातू की शादी पे नहीं जाना। सही भी है, शायद मुझे ना तुम्हें किसी और के साथ नहीं देखा जाता। बहुत तकलीफ होती है यार। काश मैं दादी की बात मान सकता, तुम्हें भगा के ले जाता मैं तुम्हारे मंडप से बिना किसी की परवाह किए। बस तुम मुझे एक हिंट दे दो कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो। उठा के ले जाऊंगा तुम्हें। हिंट तो दूर, तुम तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इसे ठीक भी है, मैं हूं ही गलत, मैंने काम ही ऐसा किया, बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो भी नहीं रहती मेरे साथ। बिल्कुल सही कर रही हो तुम, जाओ जाओ, चली जाओ मुझसे दूर। चलो नील, याद रखना अगर आज थारी बात गलत साबित हुई ना तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। हाँ भाई, चार बार सुन चुका हूँ यार, अंदर चलो और खुद देख लो तुम। दादाजी आप परेशान लग रहे हैं, पोते की शादी सिर पे इसलिए घबराहट हो रही है? आपको क्या लगता है ज्ञान जी, नील फालतू से सच में प्यार करता है? बिल्कुल प्यार करता है, हम बचपन से पाले हैं उसको, हमारी गोद में खेला है, नजरों के सामने बड़ा हुआ है। दादाजी हम उसके चेहरे के एक एक भाव से परिचित हैं। हमको तो बहुत खुशी हो रहा है कि कोई तो आया उसकी जिंदगी में जो उसे इतनी खुशी दे रहा है, नहीं तो पिछले कई सालों से उसके चेहरे से तो हंसी ही गायब थी। और इस बार भी उसका दिल टूट गया तो? ये बात तो हम भी सोच रहे थे दादाजी, लेकिन हमको लगता है कि फालतू बिटिया बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, वो बहुत प्यारी बच्ची है, अपने से पहले दूसरों का ख्याल रखती है। दादाजी वो नील बाबू का दिल कभी नहीं तोड़ेगी, विश्वास कीजिए। हमको लगता है कि उन दोनों की जोड़ी राधा रानी ने खुद बनाई है। अच्छा आप जाकर सो जाइए। जी अब आपको क्या बताएं ज्ञान जी, कि हमें नहीं लगता कि ये जोड़ी राधा रानी ने बताई है, बल्कि नील इन दोनों की जोड़ी को तोड़कर बीच में आने की कोशिश कर रहा है। फालतू तो शादी का नाटक कर रही है,
लेकिन नील क्या नाटक कर रहा है वो बेचारी बच्ची समझ नहीं पा रही है। लेकिन हमें साफ दिख रहा है इससे पहले कि नील कोई गलती करे उससे बात करनी होगी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, दो टूक उसे समझाना होगा कि दो प्यार करने वालों के बीच आकर वो अपना घर कभी नहीं बसा पाएगा। Are you fine? Yeah. Thank you. Would you care for a dance? No. Just one dance. Come on. I'm good. Thank you. One dance. देख लिया, हो गई तसल्ली। अयान मूव ऑन कर चुका है फालतू, पर अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। जितना जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डर्ज? अरे पर डर्ज हुआ क्या है? हमसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? आप बताओ क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। समझ तो हम आपको नहीं रहे हैं नील, क्यों कर रहे हो सब? पर मैंने क्या किया है? बंद करो ये नाटक, बहुत हो गया। आपको क्या लगता है कि हम अंधे हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है? आप ये दिखाना चाहते हो कि आप फालतू को आयन से मिलवा रहे हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपके मन में चोर है। नहीं डर्ज, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों ले गए थे फालतू को क्लब? क्या साबित करना चाहते हो? यही कयान फालतू से मूव ऑन कर गया है? अयान को प्लेबॉय साबित करना चाहते हो? फालतू का अयान पर जो भरोसा है उसे तोड़ना चाहते हो? प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आप मुझे गलत समझ रहे। मैं ये सब इसलिए कर रहा था ताकि फालतू अयान को और अच्छे से समझ पाए। अब ये तो आप भी नहीं चाहेंगे ना कि फालतू अयान के पास वापस जाकर पछताए। मैं नहीं चाहता कि फालतू प्यार में धोखा खाए जैसा मैंने खाया था, क्योंकि उस धोखे से संभलना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। कितना झूठ बोलोगे नील, अब अपने डट से भी झूठ बोलने लगे। मैं झूठ क्यों बोलूंगा डट, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। फालतू मेरे लिए कुछ भी हो पर उससे पहले मेरी दोस्त है, और मैं नहीं चाहता हूँ किसी गलत रास्ते पर चले। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि ये नाटक हम बंद कर दें। ये नाटक बंद ना होवेगा। जैसा हमने सोचा ये नाटक वैसा ही चलेगा। फालतू तुमने देख तो लिया अयान क्लब में कैसे लड़कियों के साथ नाच रहा था, अब और क्या देखना बाकी है? देखो फालतू, मुझे लगता है तुम्हें अब अयान का चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। ना नील, एक पल के लिए मारे मन को भी लगा कि जो मैंने आज देखा उसके बाद तो किसी बात का मतलब ही ना है। और फिर मैंने ये भी सोचा कि मैंने उनका जितना दिल दुखाया ना, उसके बाद उनका इस तरह गुस्सा निकालना कहीं ना कहीं जायज भी है। मैं मान सकती हूँ कि मार्ट साहब शक्की हैं, पर वो दिल फेंक कभी ना हो सकते। और कभी कभी आंखों की देखी हुई चीज भी सच ना होती है, और ये तो मैं खुद भुगत चुकी हूँ। इसलिए अगर भगवान जी खुद आकर मारे को मार्ट साहब के चरित्र के बारे में कुछ कहेंगे ना, तो भी मैं ना मानूंगी। और वैसे भी मैं होती कौन हूँ उनके बारे में ये सब सोचने वाली? वो भी तो हम दोनों को साथ में देख ही रहे ना, हम भी तो इस ब्याह का नाटक कर ही रहे ना। तो फिर इसलिए मैं उन्हें ये आखिरी मौका देना चाहती हूँ। और आज के बाद तुम्हारी आखिरी कोशिश करना और जरूरी हो गया, और इसमें मैं कोई कसर ना छोड़ना चाहती। Thank you.
गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। उठ गया तू? देखो सामान भी पैक कर लिया मैंने, अब जल्दी से फ्रेशन अप हो जा, फिर हम निकलते। जी माँ। माँ मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है प्लीज? थोड़ी स्ट्रॉन्ग बोलिएगा। अमर जी, अयान के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनवा लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई जाने से पहले एक बार सामान जरूर चेक कर लेना, क्योंकि माँ हमें अभी भी बच्चा समझती हैं, कहीं साथ में झुनझुना भी ना पैक कर दिया हो। चुप कर, मुझे पता नहीं है क्या उसे क्या चाहिए और क्या नहीं? किंचुक माँ को पता है मुझे किन चीजों की जरूरत है, उन्होंने पैक किया है तो सोच समझ के किया होगा। मैं आता हूँ। पिछले दिनों भाई ने बहुत कुछ देखा है, इन्हें ऐसे परेशान देखा नहीं जाता। आई होप कि इस ट्रिप के बाद भाई की हालत थोड़ी बेटर हो जाए। माँ आप भी तैयार हो जाइए, बस अब निकलते हैं हम बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, 1:30 बजे के आसपास हम लोनावला पहुंच जाएंगे। तुम बस टाइम पर पहुंच जाना और मैं अयान को अलग गाड़ी में रखूंगी, ताकि उसे किडनैप करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और ध्यान रहे, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पता ना कि ओवे का ब्याह वाले दिन। ये एक और ऑप्शन है, ट्राई कर लेंगे। ठेके पूरी दुकान उठा कर ले आए हो घर पर? अरे ये कोई सचमुच का ब्याह थोड़ी है, इतना तामझाम क्यों कर रहे हो? क्या पता सचमुच में शादी हो जाए। हाँ? हाँ? नहीं मेरा मतलब है कि अगर अयान शादी में आ गया तो क्या पता फिर से तुम दोनों की सच में शादी हो जाए। वैसे अगर तुम्हें लहंगा पसंद करने में कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यू नो मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। मारे को तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है, इतने सारे जोड़े देखकर मारा तो दिमाग ही घूम गया जैसे। अरे मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, रुको। Perfect. Hold on a second. बेहद खूबसूरत। सच्ची मारे को भी लगता है मार्ट साहब को ही बहुत पसंद आए विका। इतना भी अच्छा नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं, वो ट्राई कर लेते हैं। ना ना मारे को ही बहुत अच्छा लगा है। मैं देखता हूँ। हेलो, क्या क्या हुआ? जी ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। थैंक यू। नील क्या हुआ? फालतू वो क्या? अरे एकेडमी से फोन था, तुम्हें नेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्टर्स का न्यूज़पेपर में अनाउंस करने वाले हैं फालतू। माय गॉड यार, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ शादी की नहीं मैच की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और यार मैच तो शादी से पहले, कैसे होगा सब? सच्ची नील सच सच बताओ, ये तारो कोई मजाक तो ना है? अरे कम ऑन यार, ऐसे मजाक थोड़ी करूंगा मैं, इट्स रियली हैपनिंग फालतू। हम ये खबर सुनकर मार्ट साहब तो खुशी से उछल पड़ेंगे, अभी उन्हें बताती हूं। अमर जी जल्दी चलिए। अरे सब लोग कहाँ गए? किंचुक तनिषा जल्दी चलो, लेट हो गया तो ट्रैफिक मिल जाएगा, जल्दी।
हम लोग रास्ते में ही आपका इंतजार कर रहे हैं, कब तक पहुंच जाओगे आप? हम बस निकल ही रहे और गाड़ी का नंबर मैंने तुम्हें भेज दिया। ध्यान रहे उस गाड़ी में पूरी फैमिली होगी, तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपने हमें पैसा दिया है, आपका काम परफेक्ट होगा। गुड, तुम जल्दी चलो बेटा, लेट हो जाएगा। जी बड़ी माँ, चलो। ये किसका फोन वाइब्रेट हो रहा है? ये तो अयान का फोन है। हेलो मार्ट साहब। फालतू, तुम अयान को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? मैंने थारे से बात करने के लिए फोन ना मिला है। अरे कुमार साहब से बात करनी है, उन्हें फोन दो। क्यों, उसकी लाइफ की शांति तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? फालतू, आखिर तुम चाहती क्या हो? अपनी शादी पर कॉन्सेंट्रेट करो ना। वैसे भी तुम्हारी शादी में अयान को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज तुम इसे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। हाँ, और ये सब मारे को थारे से सुनने की तो बिल्कुल भी जरूरत ना है। मैं तो सिर्फ मार्ट साहब को ये बताने के लिए फोन मिलाया कि हमारा नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया और ब्याह के एक दिन पहले ही हमारा मैच, उन्हें जानने का हक था, इसलिए सबसे पहले उन्हें फोन मिला है। जो भी हो, अयान तुमसे बात नहीं करना चाहता है और उसे तुम्हारी कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसलिए तो मैं फोन उठा रही हूँ ना। तो प्लीज तुम इस बात को समझ लो और उसे कॉल करके डिस्टर्ब करना बंद करो। किससे बातें कर रही हो? अयान, वही लोन्स, क्रेडिट कार्ड स्कीम्स। तुम चलो ना, बहुत देर हो गई, सब हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। अब तुम्हारा फोन। अयान, तुम पक्का इस ट्रिप पे जाना चाहते हो, क्योंकि जब तुम लौटोगे तो नील और फालतू की शादी हो चुकी होगी। मेरे कहने का मतलब है कि बेटे तुम बाद में पछताओगे तो नहीं? नहीं बाबा, कोई पछतावा नहीं होगा, बस फालतू खुश रहे। सब सोच लिया मैंने। तह देखना बाबू सा, मैं कैसे सबने फालतू से अनमोल बनकर दिखाऊंगी। नेशनल्स में ऐसा खेलूंगी ना कि सबने मारे पर बहुत गर्व होगा, सबसे ज्यादा थारे को। लाडो, मन ने तो हमेशा से तुझ पर नाच था। अच्छा मन, ये बता, ये क्रिकेट अकेडमी वालों को क्या हुआ? पहले तो दाखिला ना दिया और अब दाखिला दे दिया फिर से। ये सब मार्ट साहब की वजह से मुमकिन हुआ है बाबू साहब, उन्होंने ही मारे पर लगा बैन हटवाया। ये क्या है उनके मन में, पहले खुद से वहां से निकलवा दिया और अब फिर से दाखिला करवा दिया? शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। कोई बात तो ना हुई थे लोगों के बीच में फिर से? ना बाबू साहब, उन्होंने बस अकेडमी में हमारा एडमिशन करवा दिया। चलो अच्छा है। लाडो, आप तू बस अपने क्रिकेट पे ध्यान दे, अयान जी के बारे में सोचने की कोई जरूरत ना है। और ब्रिजमोहन जी से कह देना कि थारे मैच तक के लिए थाने काम से छुट्टी दे दे। ऐसे मौके बार बार ना मिले हैं लाडो, इसे गवाना मत। और बड़े दिन हो गए ब्रिजमोहन जी से हमारी बात भी ना हुई, कि उनका धन्यवाद कर सकूं थारा इतना ख्याल रखने के लिए। हे माता रानी, अगर बापू साने दादाजी से बात करने को कहा और गलती से दादाजी के मुंह से मारी और नील की शादी का प्लान निकल गया तो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।